हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो फाइनली आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि यार यूनिवर्सिटियाँ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। अभी लगातार अपने जो है नोटिसेस निकाल रही है रिगार्डिंग द एडमिशन। सीटें बहुत सारी जगह ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है। स्टूडेंट के अंदर लगातार अफरा तफरी मची हुई है। स्टूडेंट लगातार भाग रहे हैं, ट्रेनें बुक करा रहे हैं ओपन काउंसिलिंग के लिए, स्पोर्ट काउंसिलिंग के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे पास 65% बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द एडमिशन कि भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कौन से कॉलेज में होगा, कैसे होगा, हमारे इतने ही मार्क्स है, क्या हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या, स्पेशली बी फार्मा जैसे कोर्सेज, बी टेक, सी एस सी जैसे कोर्सेज, बी ए, बी बी ए, बी एम एस एंड जस्ट लाइक जर्नलिज्म एंड एम एस सी एंड मैनी मैनी कोर्सेज के लिए बहुत सारे बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, राइट। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने लॉन्च किए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, जिसके अंदर हम आपको देंगे हर यूनिवर्सिटी का अपडेट कि किस कॉलेज में क्या नोटिस आया, अभी कितनी सारी सीटें वैकेंट है, आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और आपका 24 आवर्स लाइव सॉल्यूशन एंड पर्सनलाइज कस्टमाइज आपका सॉल्यूशन एंड रैंक मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जो है आप हमारा CUET ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, CUET ब्रॉडकास्टिंग गूगल फॉर्म का, जिसके अंदर जो है आपको पूरा कंप्लीट टिल लास्ट राउंड तक एडमिशन करा दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जियो की तरह हमने इसका प्राइस बहुत ही कम रखा है, इतना कम रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब अपन देखते हैं यार लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। फाइनली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट जो हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से स्पोर्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कहना है कि यहाँ पे जो एडमिशन्स है वो बीटेक के अंदर अभी क्लोज कर दिए गए हैं। अब जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर बीटेक में एडमिशन चाहिए वो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन आ सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक कोर्स के लिए है, हालांकि हर कोर्स के लिए स्पोर्ट कंडक्ट होगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्टिंग टाइम है 7 नवंबर एंड आपकी जो काउंसलिंग है वो 8 नवंबर को होगी। हालांकि यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया गया, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं उनको 27,950 रुपये फीस लेके जाने हैं। साथ में आपका जो भी एक्सपेंस होगा, आपका रूम वगैरह, वो सारा आपको ही देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी इसके लिए कुछ भी जिम्मेदार नहीं है एंड आपको हॉस्टल वगैरह कुछ भी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको अपना खुद बाहर ही देखना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, उससे अगर पहले का है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। आपके पास जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड जस्ट अगर आप GF सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल देन 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड जस्ट लाइक और जस्ट 1 प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाई यू जनरेटेड थ्रू सम्राट पोर्टल। ओके, एंड जस्ट ऑल रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड EWS सब कैटेगरी जस्ट लाइक सारे के सारे एलिजिबल हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लोअर ब्रांचेज मिली या फिर दूसरी ब्रांच मिली लेकिन उनको अच्छी ब्रांच चाहिए या फिर उनको BTech में चाहिए, तो वो सारे के सारे बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे। एक काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि भैया मेरे को वहाँ पे जो है MSc BSc कोर्स मिला है, मेरे को BSc के अंदर वो कोर्स मिला है लेकिन मेरे को BTech करना है तो मैं क्या करूँ, और मैंने फ़ीस भी जमा कर दी है। तो गाइस आप वहाँ पे जा सकते हो, अगर आपको स्पोर्ट राउंड में अगर कोई सीट मिलती है तो वो जो पहले वाले जो रिसिप्ट वगैरह आप उनको जमा करा सकते हैं। आपकी जो फ़ीस है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है, आपकी जो फ़ीस है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी वहाँ पे सीट मिल चुकी है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जा सकते हो और अपनी जो है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अपने मार्क्स के बेसिस पे वहाँ पे दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हो। आपकी जो पहले वाली जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और उसका जो भी रिफ़ंड है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यार ये बातें सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके काफ़ी लो मार्क्स होते हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन। जो भी आपके लिए बेस्ट कॉलेज होता है वो हम ट्राई करते हैं टू प्रोवाइड द एडमिशन इन दिस बेस्ट कॉलेजेस, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, एंड और भी आप लोगों को इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ ही हमारी CUET की ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है, जहाँ पे आपको फुल अपडेट एंड हम ट्राई करेंगे कि टिल लास्ट राउंड तक आपके अगर कम से कम मार्क्स भी है तो भी आपको एक अच्छा स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीटें वैकेंट रहती है तो ट्राई करेंगे कि आपको मिल जाए। एंड अभी तो वो वाला सीन है कि पहले आओ पहले पाओ वाला भी हो जाता है बहुत सारे कॉलेजों में, तो आप अगर सतर्क रहते हैं एंड आपके अगर कॉन्फिडेंस है अगर सीट लेने के लिए, आप अगर राजस्थान से, आप जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल कहीं भी अगर जा सकते हैं
तो जस्ट लाइक यार 15-20 दिन की मेहनत है, एंड अगर आप करते हैं, अगर आप ऐसे रहेंगे कि यार कौन जाएगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो उस चक्कर में आप ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। हो सकता है लास्ट मोमेंट में अगर यूनिवर्सिटी भी देख ले कि ये इतनी दूर से आया तो दे देते हैं, चलो ठीक है। तो यार ऐसा सारा सीन होता है, तो इस सारी बातों का बच्चे ध्यान रखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।